स्टार मेकर पर वॉल्यूम सेटिंग को लेकर लोगों के बहुत सवाल होते हैं, जैसे वॉइस और म्यूजिक का वॉल्यूम कितना रखूं, सॉन्ग्स कितने वॉल्यूम के साथ पोस्ट करने चाहिए, कॉलेब या ड्यूड्स कितने वॉल्यूम के साथ पोस्ट करने चाहिए, पार्टी रूम में वॉल्यूम कितना रखूं या कितना रखना चाहिए, लाइव ब्रॉडकास्ट करते समय कितना वॉल्यूम रखना चाहिए। अगर आप इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपका अपना चैनल कानसेन म्यूजिकल बाबा और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आरके। वॉल्यूम कितना रखना चाहिए ये समझने से पहले दो सवालों के जवाब आपको क्लियर होने चाहिए। पहला सवाल है, क्या आप सिर्फ सॉन्ग्स गाना चाहते हैं? और दूसरा सवाल है कि क्या आप चाहते हैं कि सॉन्ग्स गाने के साथ साथ लोग आपके सॉन्ग्स सुने भी? अब पहले कुछ एग्जांपल सुन लेते हैं जिससे आगे की बातें क्लियर हो जाएं, फिर आपसे कुछ और सवाल और जवाब पूछता हूं। और हाँ, एग्जांपल सुनते समय आपने वॉल्यूम कम नहीं करना है और ना ही ईयरफोन निकालना है। तो अब ये एग्जांपल सुनिए। अब आपने दोनों एग्जाम्पल सुन लिए, अब आप ये बताएं कि कौन सा सॉन्ग आप पूरा सुन सकते हैं। आई गेस आप एग्जाम्पल वन को पूरा सुनना पसंद करेंगे। पर क्यों? क्योंकि सेकंड एग्जाम्पल में वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि सुनना मुश्किल हो रहा है। ये तो इस वीडियो का एग्जाम्पल था। अब अगर एग्जाम्पल टू जैसे वॉल्यूम के साथ स्टार मेकर पर आपका कोई फ्रेंड जो आपके सॉन्ग्स पर लाइक कमेंट और गिफ्टिंग करता है, उसने आपको अपना एक सॉन्ग शेयर किया, तो आप क्या करेंगे? आप इन सारे ऑप्शंस में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है, उसी वॉल्यूम के साथ पूरे सॉन्ग को सुनेंगे और कमेंट करेंगे। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वॉल्यूम कम कर देंगे, फिर पूरा सॉन्ग सुनेंगे और फिर कमेंट करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, सॉन्ग को पॉज कर देंगे और फिर कमेंट करके सॉन्ग बंद कर देंगे। स्टार मेकर पर ज्यादातर लोग यही करते हैं और आई गैस आप भी ऐसा ही करते होंगे। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है वॉल्यूम। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ये आपने जरूर सुना होगा। इसी तरह वॉल्यूम आपके सॉन्ग का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। अगर वॉल्यूम सेटिंग्स सुनने लायक नहीं होंगी तो कोई भी आपका सॉन्ग नहीं सुनेगा। हाँ, कमेंट भले ही कर देगा पर सुनेगा नहीं। अब ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं। जनरली SM पर लोगों को ये बताया जाता है कि आप वॉइस को 100 पर और म्यूजिक को 60 या 70 पर रखिए, बिल्कुल एग्जांपल 2 की तरह। अब आपको ये भी पता चल गया कि इतने ज्यादा वॉल्यूम पर कोई भी सॉन्ग सुना नहीं जाता और कोई भी सुनना भी नहीं चाहता। और कमाल की बात ये होती है कि जिसने ये सेटिंग बताई है वो खुद डिफरेंट सेटिंग्स में गाता है। अब आपको सॉन्ग में वॉल्यूम की वो सेटिंग्स बताता हूँ जो ज्यादातर अच्छे सिंगर्स यूज करते हैं, और ये वॉल्यूम सेटिंग करने पर सॉन्ग्स कवर, पार्टी रूम और लाइव में लोग आपके सॉन्ग्स को सुनेंगे भी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्डिंग की, यानी कि सॉन्ग्स कवर की। इसमें आपने वॉइस रखना है 35 से लेके 60 तक मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम 35 रखना है और मैक्सिमम 60 रखना है, और म्यूजिक रखना है मिनिमम 15 और मैक्सिमम 35। म्यूजिक का वॉल्यूम आपने ट्रैक के साउंड के हिसाब से रखना है। इसके बाद बात करते हैं कॉलेब मेकिंग की। कॉलेब बनाते समय आपने वॉइस रखना है 35 से लेके 50 तक मैक्सिमम, और म्यूजिक रखना है 15 से लेके 35 तक मैक्सिमम। अब कॉलेब ज्वाइनिंग की बात करते हैं। जब आप किसी का कॉलेब ज्वाइन करते हैं तब आपने वॉइस रखना है 30-50 मैक्सिमम और म्यूजिक रखना है 15-30 मैक्सिमम। अब पार्टी रूम की बात करते हैं कि पार्टी रूम में वॉल्यूम कितना रखना चाहिए। तो पार्टी रूम में वॉइस का वॉल्यूम होना चाहिए 60 से लेके 75 तक मैक्सिमम, और म्यूजिक का होना चाहिए 15 से लेके 35 तक मैक्सिमम। इतने साउंड में काफी अच्छा साउंड आ जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं लाइव की, यानी कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग की। लाइव ब्रॉडकास्ट में आपको वॉइस रखना चाहिए 60 से लेके 75 तक मैक्सिमम, और म्यूजिक रखना चाहिए 15 से लेके 35 तक मैक्सिमम।
अगर आप इससे ज्यादा वॉइस का या म्यूजिक का वॉल्यूम यूज करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग या तो अपने फोन में वॉल्यूम कम करें या फिर अपना ईयरफोन निकाल दें। अब इन सेटिंग्स के साथ साथ आपको माइक के डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। माइक आपके लिप्स के पास होना चाहिए, वरना माइक अच्छी तरह वॉइस को कैप्चर नहीं कर पाएगा और आपका साउंड जो है वो अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देगा, या तो वॉइस कम हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा गूंजता हुआ सुनाई देगा। अगर आप ये वॉल्यूम सेटिंग्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो लोग कम से कम वॉल्यूम की वजह से तो आपके सॉन्ग्स में वॉल्यूम कम नहीं करेंगे या कानों से ईयरफोन नहीं निकालेंगे। तो ये वॉल्यूम सेटिंग्स कीजिए और आपके सॉन्ग्स को बेहतरीन बनाइए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल भी जरूर दबा दीजिए, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इससे आपके दोस्त और होस्ट आरके की बहुत मदद होती है और आपके अपने चैनल कानसेन म्यूजिकल बाबा की भी बहुत मदद होती है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।